शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बता क्या सरप्राइज है? बताता हूँ। इतनी भी जल्दी क्या है? अच्छा तो इसलिए तू मुझे यहाँ लेकर आया था? बताता हूँ, पहले अपनी आंखें तो बंद करो। आंखें क्यों? अरे बाबा बंद करो। जल्दी। एक सेकेंड। अब अपनी आंखें खोलो। फोन। पर मैंने तो मजाक किया था कि मुझे ये फोन चाहिए। सच में ले आए? 1 लाख का फोन है, इतने पैसे कहाँ से आए? छोड़ दो, तुझे क्या करना है मुझे बता। वो अपनी मम्मी की ज्वेलरी बेच दी मैंने चुपके से। तूने चोरी की? तानिया तुम्हारे लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ, चोरी तो बहुत छोटी चीज है। अच्छा वैसे ये बताओ ना, तुम मुझे रिटर्न गिफ्ट पे क्या दे रही हो? जो तुम मांगे। क्या हुआ तानिया, कहाँ खोई हुई हो? जय मैंने तुमसे कुछ छुपाया है। क्या? अब समझ में नहीं आ रहा कि कैसे बताऊं। तानिया 2 साल होने आए हमारे रिलेशनशिप को, तुम अब भी मुझसे कुछ छुपा रही हो? देखो मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ लेकिन धोखा नहीं। सच बताओ बात क्या है? तानिया मेरी शादी पक्की हो गई। क्या? कब? 3 साल पहले, यहाँ दिल्ली शिफ्ट होने से पहले। तानिया मतलब तुम मुझे अभी तक धोखा दे रही हो? नहीं नहीं जय, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रही। एक्चुअली मैं गरीब फैमिली से हूँ, पापा तो पहले नहीं थे, माँ पर कब तक बोझ बनते। मेरी राशि थी, उनकी शादी एक रिच फैमिली में हुई है, तो माँ ने उन्हीं के देवर के साथ मेरी शादी तय कर दी थी। उसे तो किसी ने पूछा तक नहीं, ना पूछते भी तो मैं क्या ही कर सकती थी। लेकिन जब मैंने मनोज को अपनी पढ़ाई के बारे में बोला कि मुझे शादी से पहले अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी है, तो वो मेरी बात मान गया, फिर मुझे और माँ को यहाँ भेज दिया मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए। और यहाँ मुझे तुम मिले। तुमसे मुझे कब प्यार हो गया मुझे पता भी नहीं चला। मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तानिया इतनी सी बात है, तुम टेंशन मत लो, एग्जाम होने के बाद हम लोग शादी कर लेंगे, फिर हमें कोई अलग नहीं कर सकता। पर तुम मनोज को नहीं जानते, वो क्रिमिनल टाइप का है, उस पर केस भी चल रहे हैं। अगर उसे पता चला तो वो तुम्हारे साथ नहीं नहीं वो कुछ भी कर सकता है, मुझे बस इसी बात का डर है। तानिया तानिया तुम फिक्र मत करो, मैं किसी वकील से बात करता हूँ और हम जल्दी ही शादी कर लेंगे।
चुपचाप यहाँ से भाग जाएंगे मुंबई। मेरा एक दोस्त रहता है वहां चले जाएंगे, ठीक है? माँ, वो एक्स्ट्रा क्लासेस 3 घंटे तक चली, इसलिए लेट हो गई। कोई बात नहीं, क्या हुआ माँ, परेशान क्यों हो? वो शिवम की तबीयत खराब है, राशि का फोन आया था। क्या हुआ चीजू को? वो तो वही जाके पता चलेगा ना। तो खाना खा ले और अपना सामान पैक कर ले, कल सुबह हमें निकलना है। पर माँ, माँ मेरा कॉलेज है, 3 महीने में मेरे एग्जाम है। क्या? शिवम की तबीयत वहाँ पे खराब है और तुझे अपने कॉलेज और पढ़ाई की पड़ी है? सुबह निकलना है मतलब निकलना है। माँ हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगाती हूँ। भी बिजी आ रहा है। अभी चेंज करेगी भी? जा रही हूं। Thank you. अरे तान्या और मम्मी जी अभी तक आए नहीं? मनोज से कहा था कि उन्हें लेने चले जाए, पर वो नहीं गया, ऑटो करके आ रहे। भाभी मुंह मीठा कीजिए पहले, लीजिए 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 लीजिए। किस बात का? अरे भाभी आप भी लीजिए, और खाइए। अरे लेकिन किस बात की खुशी में? अरे 5 साल से चलने वाला मुकदमा छूट गया पता है? हाँ, जो सामने वाली पार्टी थी ना, उसने अपना केस पीछे ले लिया। पता क्या बात है, ये तो आ गई खुशखबरी है। अभी तानिया कहाँ है? तुमसे कहा था उसे लेने चले जाओ, गए तुम, अब ऑटो से आ रहे दोनों। मुझसे? लेकिन मैंने तो भैया को बोल दिया था फोन करके कि मैं नहीं आऊंगा। मेरी तो कोर्ट की पेशी थी ना। मुझसे कब बोला? अरे भैया मैंने आपको बोला था, आप भूल गए। मनोज तुम झूठ बोल रहे हो। अच्छा चलो जाने दो, अब तो वैसे भी आ ही रहे ना ऑटो से दोनों भी। मैं झूठ क्यों बोलूंगा, आपको मुझ पे भरोसा नहीं है ना। एक मिनट, ठीक, एक सेकंड, सुनो। हेलो भैया। हाँ मनोज बोल। भैया मैं कोर्ट में हूँ, मुझे देर हो जाएगी, तो आप स्कूल की छुट्टी के बाद स्टेशन चले जाना तान्या और मम्मी जी को लेने। सुना, यकीन हुआ आपको? ठीक है ना, मैं उस वक्त थोड़ा बिजी होगा काम में तो भूल गया होगा। अरे आ गए। आइए दीजिए। नमस्ते मम्मी जी। मैं आता हूँ पूनम। हाय चीजू। चीजू क्या हुआ आपकी तबीयत को? हाँ अब ठीक हूँ। वैसे हुआ क्या था? सारी बातें अभी कर लेगी। नहीं बुखार हुआ था उन्हें, बाद में के लिए भी कुछ बचा के रख और चल अंदर चल। अरे भाभी जी पंडित जी का फोन था, आपने बोला था ना शादी और सगाई के मुहूर्त के बारे में इंक्वायरी करने के लिए, तो उन्होंने बोला है कि इसी महीने के 20 तारीख को सगाई का और अगले महीने के 7 तारीख को शादी का मुहूर्त है। अच्छी बात है, जितने जल्दी शादी हो जाए उतना बेहतर है ना। एक बात कहें तानिया, तुम सच में हमारे लिए बहुत लकी। मतलब कल ही भाभी ने कहा था कि तुम्हारे इम्तिहान के पहले हमारी शादी हो जाएगी, और आज पता है क्या हुआ?
पांच साल से चलने वाला मुकदमा मैं जीत गया। बड़े धूमधाम से करेंगे तुम्हारे साथ शादी। फोन है। हेलो। शादी सगाई क्या है ये सब? अरे तू अंदर तो चल, मैं बताती हूँ तुझे, चल आ जा। इसका मतलब है जीजू की तबीयत खराब नहीं थी, मुझे झूठ बोलकर बुलाया गया यहाँ पर। और नहीं तो क्या करती, तुझे तेरी मनमानी करने देती? कितनी बार समझाया तुझे कि उस जय से दूर रहे, लेकिन नहीं, तुझ पे तो उसके प्यार का भूत चढ़ा हुआ है। एक बार भी नहीं सोचा कितनी बदनामी होगी राशि की और हम सबकी? तुझे शर्म नहीं आती? यहाँ तेरी शादी मनोज से तय हो चुकी है और तू बाहर किसी दूसरे लड़के के साथ इश्क लड़ा रही है। भूल मत, जब तुझे शहर पढ़ने जाना था तो मनोज ने ही तेरी तरफदारी की थी और तू अब उसके साथ ही धोखा करेगी? अरे उसको पता चला ना तो जान ले लेगा तेरी, पता है ना उसकी आदत। इसलिए तेरी भलाई इसी में है कि तू चुपचाप यहाँ शादी करके रुक जा, जितना पढ़ना था पढ़ लिया, अगर ऐसा है तो जाओ, नहीं करते शादी। और जबरदस्ती करोगे ना तो पुलिस में कंप्लेंट करवा दूंगी और हम तुझे जाने देंगे। हाँ तू अब इस घर के बाहर तभी निकलेगी जब तेरी शादी मनोज से हो जाएगी, समझी? उसी का फोन है ना? दीदी क्या कर, क्या कर, फोन छोड़। दीदी क्या कर रही है, फोन दो मेरा। अब तुझे ये फोन भी नहीं मिलेगा। रो फोन मुझे दो। राशि पागल हो गई हो, हाथ उठा रही हो? चलिए माँ। क्यों हुआ तन्या? नहीं 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 नहीं, ऐसे रोते नहीं है, रोते नहीं है ना, इधर आ जाओ, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा तन्या, सब ठीक हो जाएगा। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच्ड ऑफ है। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच्ड ऑफ है। जीजू आप बिजी हैं तो मैं बाद में आती हूँ। अरे नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, आओ इधर आओ, बैठो 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 बैठो, यहाँ बैठो। क्या हुआ जीजू? पता नहीं सबको क्या हो गया है, सब मिलकर मेरी शादी करवाने में तुले हुए हैं। मुझे नहीं करनी है शादी। देखो तान्या, हम सब लोग चाहते हैं तुम्हारा और इस घर का भला, और उसके लिए तुम्हें मनोज से शादी कर लेनी चाहिए। अब तक जो भी हुआ तुम्हारे जीवन में सब कुछ भूल जाओ और मनोज के साथ नई जिंदगी शुरुआत कर। जीजू आप कितने अच्छे हैं, इस घर में सिर्फ आप ही हैं जो मुझे समझते हैं, और तो कोई नहीं है। अच्छा मैं चलती हूँ, खामखां आपको परेशान कर दिया। अरे नहीं नहीं, परेशानी की क्या बात है इसमें, और जब भी कभी मन वापस परेशान हो तो वापस मेरे पास आ जाना, ठीक है? बाय। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ भी नहीं, जीजू से मिलने आए थे। ये हाथ में क्या तुम्हारे? दीदी कुछ नहीं। दीदी बता। दीदी चुप। मोबाइल आपने दिया इसे? नहीं पता नहीं इसने कब ले लिया। क्या करने की कोशिश कर रही थी? अपने आशिक से बात, बुलाएगी उसे यहाँ पर। फिर से बोल रही हूँ पागल मत बन, चुपचाप मनोज से शादी करके यहाँ पर ऐश की जिंदगी काट ना, क्या कमी है इस घर में? और मनोज कितना प्यार करता है तुमसे, क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो?
अपनी राय अपना कंसर्न अपने पास रखो। हम जानते थे कि तुम हमारा इंतजार कर रही होगी, है ना? क्या हुआ, उदास लग रही है? अरे अब तो हम आ गए, अब तो खुश हो जाओ। हाँ, कुछ बात करनी है हमें तुमसे। बातें तो चलती रहेंगी, इतने दिनों के बाद मिले, थोड़ा सा प्यार कर लेते। सुनो ना, कुछ जरूरी बात है। क्या हुआ, तुम तो ऐसे बर्ताव कर रही हो जैसे पहली बार कर रहे हैं हम। देखो आज हम बहुत खुश हैं, तुम्हारे साथ इसी खुशी को हमें बढ़ाना है, तो हमारा दिमाग खराब मत करो, ठीक है? अच्छा एक बात बताओ, हनीमून पर कहाँ जाएंगे, गोवा या शिमला? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो ना, परेशान लग रही, क्या हुआ बोलो। मैं चाहती हूँ मेरी पढ़ाई पूरी होने के बाद हम शादी करें। क्या, एक बात बताएं, कहीं कोई और बात तो नहीं है, मतलब किसी दूसरे लड़के का चक्कर? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हें यकीन नहीं है मुझ पर? यकीन तो है तुम पर, इसलिए तो तुम्हें दिल्ली भेजा था ना पढ़ाई करने के लिए। तो इतना किया है तुमने, थोड़ा सा और, शादी पोस्टपोन कर दो, तुम बोलोगे तो सब मान जाएंगे। इसके बारे में हम सुबह बात करते हैं, ठीक है? अब आराम से सो जाओ, बाय।